आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश, ये मेरा वतन, ये मेरा घर, मेरा चमन, सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार हूँ। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। मोदी के इस नारे ने कांग्रेस की हवा निकाली। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। दिन रात सोते जागते चौकीदार चोर है का नारा लगाते लगाते राहुल गांधी का गला सूख गया, लेकिन जनता है कि मानती ही नहीं। राहुल आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीने से हर मंच से, चाहे वो रैली हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी नारे के सहारे लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाने की कोशिश में लगे हुए थे। शिथिल पड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। बस ये शब्द कहना, चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो, चौकीदार, 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 जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। लेकिन राहुल गांधी की ये कोशिशें धरी की धरी रह गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वार ने राहुल गांधी के इस नारे की ऐसी हवा निकाली कि पूरी कांग्रेस ब्रिगेड देखती ही रह गई। हालत ऐसी है कि न नजर मिलाते हो रहा है, न बगले झांकते। मतदान से पहले चौकीदार को लेकर छिड़ी जंग में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल राहुल गांधी के चौकीदार चोर की मुहिम को तोड़ने के लिए बीजेपी ने मैं भी चौकीदार हूं का कैंपेन शुरू किया। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया और कहा कि आपका ये चौकीदार राष्ट्र की सेवा में मजबूती से खड़ा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। हर कोई जो भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है, वो एक चौकीदार है। हर कोई जो भारत की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, वो एक चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा है कि मैं भी चौकीदार। इस ट्वीट के साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने नाम के साथ चौकीदार शब्द जोड़ दिया। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और पूरी कैबिनेट ने चौकीदार नाम जोड़ लिया। ये मुहिम इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार हूँ पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगा और लाखों लोग इससे जुड़ गए। दुनिया भर में इसकी धमक सुनाई दी। 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया। इसके इंप्रेशंस थे 1680 करोड़। 1 करोड़ लोग ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज किया कि मैं भी चौकीदार हूं, और इसका वीडियो व्यूइंग भी 1 करोड़ लोगों ने किया ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये एक पूरे दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मैं भी चौकीदार हूं, आई एम ऑल्सो ए चौकीदार, और इंडिया का ट्रेंड फॉर 2 consecutive days। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज दैट मैं भी चौकीदार हूं हैज बिकम ए बिग पीपल मूवमेंट। मैं भी चौकीदार हूं ये एक जन आंदोलन बन गया है, और इसमें डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, सीएस, किसान, स्वच्छता कर्मचारी, युवा, महिलाएं सभी जुड़े हैं।
दरअसल राहुल गांधी राफेल विमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए चौकीदार चोर है का नारा लगाकर इसी मोड में अपना कैंपेन चला रहे थे, जिसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार का दांव चला और ये दांव इतना हिट रहा कि कुछ ही घंटों में सारे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके समर्थकों ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ दिया। राहुल जिस चौकीदार के नाम से मोदी पर आरोप लगा रहे थे, बीजेपी ने उसी को हर आम आदमी के साथ जोड़ दिया। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं, मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने एक मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। कुछ दिनों में ही बीजेपी का ये नारा इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि तमाम पोलों में बीजेपी कहीं आगे निकल गई। कई पोल में तो 80-90 फीसदी लोग मोदी के साथ आकर खड़े हो गए। राहुल गांधी ये भूल गए कि जो नारा वो लगा रहे हैं उस पर यकीन दिलाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। पिछले 5 साल में पूरी कांग्रेसी जमात मोदी सरकार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकी। जिस राफेल को राहुल चिल्ला रहे हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सरकार को क्लीन चिट दे चुकी है। एक तरफ ऐसी सरकार है जिस पर कोई आरोप नहीं और दूसरी तरफ कांग्रेस जो गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है। राहुल गांधी तो खुद ही जमानत पर बाहर हैं। जाहिर है किसी पर आरोप लगाने के लिए पहले खुद का पाक साफ होना जरूरी है। जनता भी उसी पर भरोसा करेगी जिसे भ्रष्ट नहीं मानती, और चौकीदार कैंपेन ने साबित कर दिया है कि जनता किसके साथ है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, के भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। लोग है मेरा मेहनत से करता काम, मेहनत से करता काम, एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। अरे हाजी चौकीदार, वो
उंगलियां उठाएंगे, वो झूठ कहते जाएंगे। सच की परख तो है मुझे, वो क्या मुझे बहकाएंगे, क्या मुझे बहकाएंगे के झूठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार। आतंक अब नहीं सहूंगा, हाँ मैं चुप नहीं रहूंगा। भारती का लाल हूँ मैं, कब तलक नहीं कहूंगा। मैं सरहदों के हौसलों, मैं सरहदों के हौसलों के साथ एक हुंकार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, चौकीदार। हर उस भारतीय में है एक चौकीदार जिसे है देश की फिक्र।